होते ही है। तो कितने रुपए जोड़ा वैसे यो? इसके बच्चे भी है, कैसे दे रखे भैया? 100 रुपए जोड़ा। और ये बड़े वाले? एक मिनट रख दियो, लेके जा रहे तो भाई हैं, मुर्गी के बच्चे मिल जाए। कड़कनाथ भी क्या? क्या कितने रुपए जोड़ा तुम्हारे भाई? यहाँ पर कबूतरों के छल्ले मिल जाते, छल्ले ही दो। ये हमारा भाई आ चुका है उज्जवल तातरा शानदार ब्लॉक के साथ, और आज आ चुका हूँ मैं किरतपुर इतवार बाजार में। आज दिखाएंगे तुम्हें सभी पशु पक्षियाँ। और इसको जो चोट लग रही भाई, इसका दाना हो गया था वो फुटवाया कल शाम, कोई दिक्कत ना करे तुम सोचो किसी ने मार उड़ दिया। आज हम क्या क्या रेट दिखाएंगे? कबूतर दिखाएंगे, कबूतर, तोते, खरगोश और सभी चीज दिखाएंगे। और भाई एक चीज का रेट बताएंगे, कबूतर और पंछियों का, जितने पंछी यहाँ पर। चलो बिना देरी के चलते हैं फिर। कौन सा आयो? कौन सा भैया? कागजी का उत्तर है, मद्रासी। मद्रासी नर है मादीन भैया? क्या प्राइस है इसका? कितना रेट है? 400 रुपए भैया इसका प्राइस है। बढ़िया उड़ान का कबूतर, मुझे दिखा इसका, मुझे सुंदर लग रहा है वैसे। बढ़िया का उत्तर है जी, छोड़ मत दिए। हां तो डालो यार, हाथ लग जाना नहीं। उत्तर आता बढ़दा रहा, आता बढ़दा। कौन सा? लाल चिन्ना का उत्तर है, पिलिया मत खोलो यार, भागने यार, यार मैं टेंशन ना लेती, टेंशन देनी पड़ेगी भैया। लाल चिन्ना का उत्तर दिखाइयो यार। इतने भी रुपए आ रहा है ना भैया? कौन सा आयो भैया? का उत्तर है लाल चिन्ना। लाल चिन्ना भैया मादी ने लाल चिन्ना का प्राइस इसका पंजाब में 400 रुपए। सब 400 रुपए के क्या? 400 रुपए का उत्तर बढ़िया। कितने टाइम उड़ा हुआ है ये भैया? उड़ा लो, अब तुम कबूतर बाद होगा तो हाथ में लेके बता दो कबूतर। सही बात है, बढ़िया कबूतर है। देख लियो भाई, किसी को लेना हो तो इतवार बाजार माया किरतपुर के संपर्क कर लो। मुर्गे भी मिल जाते हैं, असील के मुर्गे। कौन से भाई असील के हैं? क्या क्या प्राइस है इनका भैया? 1500 का एक जोड़ा आयो, दोनों हाथ में ठहिए सर, कभी काट ले। गए बकरी का बच्चा पाल तू पहले यार, और क्या करना। एक बकरी का बच्चा पाल तो। ये बत्तख है यहाँ पर, कौन सी वाली? अंडे भी दे बोल। क्या प्राइस है भैया इसका? 1500 रुपए। इतनी सस्ती क्यों है? हंस रही आवाज आया यार। ये तो एक कबूतर बहुत शानदार है, ये अलग से दिख रहा है। किसके ये? तुम्हारे रेट बता दीजिए इनके। कौन सा रेट? एक बाजू दुआज है, गोला दुआज। कौन सा? गोला दुआज है। गोला दुआज क्या क्या रेट है ये तो बता दो। इस वाले का उत्तर है, गोला दुआज का रेट बता दो। ये 500 रुपए का है। 500 रुपए का है। क्या क्या खासियत है इसमें? सुंदर लग रहा है। 100 पीस। अच्छा ये वाले के जो पंजाबी में चलो जाता पंजाबी। अच्छा 100 पीस के कबूतर। आओ तुम्हें वह चिड़िया दिखा दूं मैं, खूबसूरती खतरनाक वाली तोते है। ये कितने रुपए जोड़ा वैसे? ये 350 रुपए। और कहाँ से आए तुम भैया वैसे? बिजनौर से आए। तो ये मतलब ये तोते है क्या? ये बड़े छोटे छोटे तोते हैं, बड़े भी होंगे। घर से भेज देते होंगे? घर से भी भेज दो। नंबर बता दो तुम। 7700 बताओ, बोल लो तुम, वीडियो बननी। 7700 88 23 62। भाई किसी संपर्क करना हो तो बता दो। चिड़िया ये वाले चिड़िया भी भेज देते हैं ये। अरे तोते बड़े जाएगा। 450 रुपए। अरे इससे बड़े ना होने के ये कुछ खास है? तू बोल लो भी ना। ये वैसे ब्रीडिंग करेंगे, बच्चे निकालेंगे। बच्चे निकाल लो ये खरगोश के बच्चे हर महीने में। इसके बच्चे भी है, कैसे दे रखे भैया? 100 रुपए जोड़ा। और ये बड़े वाले? बड़ा वाला बिक गया यार, निकाल कर दिखा दो वैसे भी, भले से बिक गए हो। वैसे क्या प्राइस है इनका? क्या प्राइस है वैसे इसका? 150 रुपए का एक तोते ले आए हम। तो बोलने वाला ही तो कितने? क्या रेट है इसका? 5000। इतना महंगा क्यों? खासियत बता दो इसकी तुम, बताओ खासियत बताओ। इन्हें पता ना भैया खासियत। और ये वाले भैया 400 रुपए जोड़ा, ये भी बोलना सीख जाएंगे तुम, बुलवाना सिखाओगे तो।
ओ माय गॉड, अब मुर्गा बहुत खतरनाक है। क्या रेट है इसका? 1400 रुपए। अब 25,000 का तो ना लग जाए यार, 25,000 का बता रहे हैं। ना ना 25,000 का ना, फिर लड़ाकू मुर्गा लड़ाकू ही तो है। मुर्गी हो, क्या रेट है इसका? 2500। भाई आजकल इतवार बाजार महंगा हो चुका है, जो भी रेट पूछ रहे हैं कोई 3,000 कोई 5,000 रुपए ऐसा मांग रहे हैं, हवाई जहाज वाली तरह का। देसी कबूतर दिखाते हैं हम तुम्हें। कितने कबूतर है इसमें टोटल? 50। सब देसी क्या? पंजाबी भी है। पंजाबी भी है। और भाई ये रहे, कहाँ से आए अंकल जी? मंडावड़ से आए। हर साल हर बार आओ बेचने हैं? 12 महीने। तो कारोबार है क्या तुम्हारा इसका? लाते रहे, शौक भी है लाते रहे। अच्छा लाते रहे, शौक भी है बेचने का। और मैं दिखा दूँ तुम्हें, और ये जा रहा है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए, नाम बताओ। मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए, देख लो भाई, किरतपुर मुजफ्फरनगर के आ गए कबूतर बेचना। कितने कबूतर इसमें टोटल? 50। क्या क्या रेट के कबूतर मतलब इसमें? मतलब सबसे महंगा से महंगा कितने रुपए का है इसमें कबूतर? 500-600। 1000 तक का मतलब? 1000 तक का कबूतर। कबूतर तो यार खेड़े से लग रहा है, पर हम देते हैं। और भैया मुल्ला जी की देसी कबूतर आ चुके हैं यहाँ पर। देसी तो टोटल ही है सर? सर देसी है। कितने कबूतर इसमें टोटल? 60। क्या क्या रेट का है कबूतर इसमें? सर एक रेट के 300 पर। 300 रुपये पर? ये 3,000 रुपये का उतार दे। नहीं बना लेना, मैं सभी सभी है। सभी अच्छा, सभी 3,000 रुपये के। बच्चे गए हैं, दिखाइए दो बाहर को निकाल कर। क्या नस्ल है इसकी? सरनपुरी। सरनपुर से आए तुम? अच्छा जी, बहुत दूर दूर सारी भाई जनता यहाँ पर। 300 रुपये कबूतर है, एक ले लो या दो ले लो, 600 रुपये के दो। अच्छा कहाँ से आए अंकल जी? नूरपुर से। बड़ी दूर दूर से आ रहे भाई यहाँ पर तो। देसी कबूतर है। देसी है। कितने रुपये पीस है इसमें? कितने रुपये पीस है इसमें? 1000 का भी है, 1500 का भी है। सबसे महंगा कितने का? 1500 रुपये। 1500 वाला दिखा दीजिए एक बार। 1500 रुपये वाला दिखा दो एक बार। कौन सा? यो 1500 का कल सी रहा है। 1500 का कौन सा? जाल पे छोड़ वाला। क्या खासियत है इसकी 1500 की? उड़ान है, जामनी सारनपुरी है। अच्छा जी, तखड़ा उड़ता हुआ। कितने घंटे उड़ जाए? शाम तक सुबह से उड़ जाए, उड़ा देंगे। ये भी कहाँ का है? बिजनौर से। तो तुम्हें अब घर के ये कबूतर क्या 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 रेट है इनका? हैं? एक के 200 रुपये, एक पीस के 200 रुपये। अच्छे जी कहाँ से आए भैया तुम? अच्छा मेरठ से। तुम भी कबूतर लेने आए हो? हाँ कबूतर ही लेने। तो इसका मतलब फेमस है भाई है का बाजार किरतपुर का? हाँ बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा फेमस है। हमारे हसीन भाई हैं, हमारा मेल जोल इनसे है और इन्हीं से लेके जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। हम भी हैं, ये पास से ही है। अंकल जी एक मिनट रुक जाइयो, एक बार लेके जा रहे हैं क्या इन्हें कबूतरों को? खरीदे तुमने ये? ले भाई ये मेरठ से आए थे, इन्होंने इतने सारे कबूतर खरीद दिए। कितने? मुजफ्फरनगर से। नीचे तक के दिख रहा है। कहाँ से आए अंकल जी? जहाँ से आप बताओ। नगीने से आए। नगीने से? हम तक हम तुम्हें मेरठ से बता रहे, मेरठ से मान लोगे? नहीं भाई। हाँ तो तो कितने रुपए पीस कबूतर दे रहे हैं तुम? ये तो भाई कबूतर के ऊपर की बात है ना। फिर भी कितने रुपए महंगा तुम्हारा सबसे महंगा कितने का? मेरे पास महंगा ना भैया, पर कबूतर सब क्या रेट है भैया? क्या कितने रुपए कबूतर पर है? 200 रुपए। 120 दे दो। अरे भैया नहीं है कुछ, 150 की है क्या? और ये कितने की है जो छोड़ी है मकोया? बाजू में क्या है? एक से एक कबूतर भाई इसमें तो। कौन सा आयो? नरम आदिन भैया। क्या रेट है इसका? 300 रुपए। कम ना होने का थोड़ा बहुत भी?
देख लो यार कहाँ से आए भैया, कहाँ से कहाँ से आए तुम? मुजफ्फरनगर से आए कबूतर भेजना। कितने पीस है इसमें, मतलब कितने कबूतर? 40 कबूतर। क्या क्या रेट के? सबसे महंगा कितने का होगा? सबसे महंगा 400-500। 400-500 रुपये का? बढ़िया कबूतर ना, बढ़िया कबूतर। पंजाबी भी बोलो शायद ही ना, पंजाबी। लंबर उम्र बता दो वीडियो में जरा। तुम क्या देना? 93-97-14-11-81। भैया किसी को जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट कर लियो है, घर पहुंचा दोगे ना? क्या देना बच्चे का? घर भी पहुंचा दोगे? कौन से का? अब कोई दिल्ली से कहने लगा तो ऑर्डर पे चले जाएंगे, ऑर्डर पे चले आएंगे, पर थोड़ा चार्ज लगेगा, महंगा है। अच्छा, वैसे इसमें कबूतर ये भैया मुजफ्फरनगर से आए शायद ये कबूतर बेचने वाले, पर अभी कहीं गए शायद। भाई यहाँ पर कबूतरों के छल्ले मिल जाते, छल्ले दो। ये कहाँ से आए तुम? बछरा हूँ, चांदपुर साग। अच्छा जी, बागड़पुर के थोड़ा शायद। तो हर 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 बार हफ्ते में आओ तुम, मतलब है बेचना? मोबाइल नंबर बता देगा किसी को जरूरत हो तो। मोबाइल नंबर ना? हाँ मोबाइल नंबर ना जी। 400 रुपए की डिब्बी नंबर वाली। 400 रुपए की डिब्बी कौन सी वाली दी? ये बार ये वाली, ये बच्चों को ही डलेगी। ये भैया बच्चों को डलेगी, उड़ान वालों के हैं। कोई से भी डाल लो। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर दिखाना भाई? भाई आज तो देखना क्या ये वाला नंबर, भाई कॉन्टैक्ट कर लियो इनसे, चाहिए हो तो किसी को। क्या नाम है? अखिल भाई। अरे भैया मुजफ्फरनगर से, ये मुजफ्फरनगर वाले। अभी तो तुम्हारा दिखा पिंजरा उधर रखा था है। अच्छा उनसे डाला इनके तो बन गए थे भैया। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो किसी को, चाहिए हो तो कबूतर नंबर बता दो अपना। नंबर भाई बता दो भाई, नंबर क्या है? नंबर बता दो भाई, नंबर बता। 70-37 से बोल। 70-37-32-60-18 भाई किसी को कॉन्टैक्ट करना हो बता दियो, कबूतर दे देंगे सस्ते रेट पे। दे दोगे कहाँ से है भैया? गिरतपुर से ही। गिरतपुर से ही है तुमको? कबूतर कौन से नस्ल का है? लंसरी जामवन। क्या प्राइस है इसका? क्या प्राइस है इसका? 800 रुपए। तो ये ज्यादा उड़ो क्या? 800 रुपीस। ओ माय गॉड, बहुत उड़े। हाँ। अच्छा इसमें लगे यार, मुर्गा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रे खतरनाक मुर्गे। कहाँ से आए अंकल जी? कहाँ से आए तुम? हाँ और मैं क्या, किरतपुर से ही हो। अच्छा सबसे महंगा मुर्गा कितने का तुम्हारे पास? हैं 1000 रुपये का देसी है। अंकल जी भोजपुर से भाई हैं, मुर्गी के बच्चे मिल जाए कड़कनाथ भी क्या? क्या कितने रुपए जोड़ा तुम्हारे पास? 120 का, कम ना होने के थोड़ा बहुत भी। और इधर बत्तके अंकल जी तुम कहाँ से आए? मुझे खनगर से। अरे बत्तख के बच्चे शायद, कितने रुपए जोड़ा आए हो? 160 रुपए का जोड़ा। अच्छा जी, अरे ऊपर वाला ये भी 160 का। अरे वो कड़कनाथ रहा, कड़कनाथ ना तुम्हारे पास? नहीं जी। कब लाओगे? वो तो मिलने के ऊपर बात है। मिलने के ऊपर बात है। तोतों की लाइन लग रही है, छोटे छोटे बालक लेकर आए हैं, पकड़ कर कहीं से है, पकड़ कर लेकर आए, पकड़ कर लाया। कितने रुपए का जोड़ा है? 500 रुपए का। 500 रुपए देखे ना जाना कभी। तू कितने रुपए जोड़ा? 300। पकड़ कहाँ से लाया तू? आइयो द्वा बाजार में मैंने आपको दिखाई दिया क्या क्या, मतलब क्या क्या बिकता है। कबूतर हो गए, तोते हो गए और खरगोश, लाल चीने, फुल सिरे, कल सिरे, कबूतर। जब ही अच्छी सभी अच्छी से अच्छी नस्लें मिलेंगी यहाँ, एक से एक अच्छा कबूतर मिलेगा। जिस किसी को भी लेना हो तो संपर्क कर लियो, या तो कमेंट बता दियो, एड्रेस बता देंगे। एड्रेस का किरतपुर भाई, मतलब जिला बिजनौर, किरतपुर नजवाबाद, बिजनौर से नजवाबाद वाली रोड पर किरतपुर पड़ता है। संडे के दिन सुबह की शुरुआत हो जाए 7 बजे से, 7 बजे से भाई 12 बजे तक रहता है, 12 बजे तक 10 बजे तक कबूतर उतर गए, 10-12 बजे 10 बजे तक रहता है। और भाई तोते भी है, बोलने उलने वाले सब सब कुछ मिल जाते हैं, सब कुछ, खरगोश, बत्तख, मुर्गी के बच्चे, मुर्गे सभी मिल जाएंगे भाई। आज तक मैंने ऐसा बाजार देखा नहीं अपनी एरिया में, बहुत दूर दूर तक भाई। मेरठ से मुजफ्फरनगर, नूरपुर तक के सहारनपुर, मेरठ उरठ, कोतवाली, नगीना, धामपुर से जो आ रहे थे, नगीना धामपुर सब जगह सब सारा है। और भाई तुम्हें थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो और कमेंट और मार दो यार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।